एक भाषा बोली लिपि और व्याकरण। जब निश्चित भाषा का विकास नहीं हुआ था उस समय मनुष्य अपनी बात समझाने के लिए संकेतों का प्रयोग करता था क्योंकि वह एक सामाजिक प्राणी है। संकेत के द्वारा वह अपनी बात समझाने में तो सफल हुआ परंतु इन संकेतों का कोई निश्चित आधार नहीं था। मनुष्य की इस दुविधा का अंत भाषा ज्ञान के कारण हो पाया। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, अतः मनुष्य ने अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए भाषा बनाई। प्राचीन काल की दीवारों पर उत्कीर्ण संकेत तथा चित्र कालांतर में भाषा में परिवर्तित हो गए। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है वाणी अथवा बोलना। उपरोक्त चित्रों के अनुसार हम तीन प्रकार से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, संकेतों द्वारा, बोलकर एवं सुनकर तथा लिखकर व पढ़कर। लेकिन संकेतों को किसी भी प्रकार से लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता, अतः ये भाषा का रूप नहीं है। भाषा सार्थक शब्दों का वह समर्थ साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर सुनकर या लिखकर समाज के अन्य व्यक्तियों से अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा के रूप। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक भाषा लिखित भाषा। मौखिक भाषा। अध्यापिका ने विद्यार्थियों को बताया कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, अतः इस बार भी 14 सितंबर को विद्यालय में हिंदी दिवस का आयोजन किया जाएगा। सभी बच्चों के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया है, इसलिए सभी छात्र और छात्राएं पूरी तैयारी के साथ आएं। प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः प्रथम द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उपर्युक्त अनुच्छेद में अध्यापिका द्वारा छात्रों को बोलकर हिंदी दिवस के विषय में बताया गया है। छात्रों द्वारा अध्यापिका की बात सुनकर समझी गई है। भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है। सर्वप्रथम मनुष्य ने बोलना ही सीखा था, अतः भाषा का मौखिक रूप ही भाषा का मूल रूप है। सामान्य जीवन में भाषा के इसी रूप का अधिकतम प्रयोग किया जाता है, जैसे गीत, बातचीत, संगीत, गायन, भाषण, कथावाचन, वाद विवाद, किस्से, कहानियाँ, घटनाओं का ब्यौरा, शिकायत इत्यादि। लिखित भाषा। विद्यालय में खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सभी ने मन लगाकर इसमें भाग लिया। अध्यापिका ने प्रतियोगिता के संबंध में छात्रों से एक लेख लिखकर लाने के लिए कहा। यह लेख सभी विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में प्राप्त अपने अनुभव के आधार पर अपनी अपनी पसंद, नापसंद, हानि, लाभ तथा रुचि अरुचि को व्यक्त करते हुए लिखना था। शिक्षिका ने छात्रों द्वारा लिखकर लाए गए लेख को पढ़कर उनके अनुभवों को समझा, अतः यह भाषा का लिखित स्वरूप है। इसमें एक व्यक्ति लिखकर अपने भाव व्यक्त करता है एवं अन्य इसे पढ़कर उसके भाव को समझता है। मनुष्य ने जब बोलना आरंभ किया तो उसे सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले संबंधियों को संदेश भेजने की आवश्यकता महसूस हुई। इस प्रकार मौखिक भाषा के बहुत बाद में वह अपनी बोलचाल को लिखित रूप में देने में सफल हो गया। लिखित भाषा स्थायी भाषा है। बोले हुए शब्द वायु में विलीन हो जाते हैं, जबकि लिखित ग्रंथों की पांडुलिपियां आज भी सुरक्षित रखी हुई हैं। सभी धर्म शास्त्र, नीति शास्त्र, पांडुलिपियां, पत्र पत्रिकाएं आदि भाषा के लिखित रूप के कुछ उदाहरण हैं। भाषा के अन्य रूप। हिंदी भाषा के कुछ अन्य शाखाएं हैं जो इस प्रकार हैं। क मातृभाषा। इस भाषा को बच्चा अपने घर परिवार, माता पिता और संबंधित स्थान के परिवेश द्वारा सीखता है। भाषी जैसे पंजाब में जन्म लेने वाले पंजाबी भाषा भाषी माता पिता की संतान की मातृभाषा पंजाबी और गुजरात में जन्म लेने वाले बालक की मातृभाषा गुजराती होती है। ख राष्ट्रभाषा। यह वह भाषा है जो किसी भी देश के अधिकांश निवासी बोलते हैं। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है।
जिसे देश के अधिकांश भागों में बोला जाता है। इसलिए 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे जापानी, चीनी, रूसी, जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेजी आदि। भारत की अधिकांश आबादी हिंदी भाषा भाषी है, अतः भारत में हिंदी को ही मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा दोनों का सम्मान प्राप्त है। ग राजभाषा। यह भाषा सरकारी कामकाज की भाषा होती है। पहले न्यायालयों में अंग्रेजी और उर्दू भाषा का प्रयोग किया जाता था, परंतु भाषा संबंधी कठिनाइयों के कारण उर्दू का प्रयोग अब कम से कम किया जाता है। इसके स्थान पर हिंदी का प्रयोग अधिक होने लगा है। मुख्यतः भारतवर्ष में सरकारी कामकाज अंग्रेजी और हिंदी में किया जाता है, फिर भी राष्ट्रभाषा को ही राजभाषा कहा जाता है। घ संपर्क भाषा। संपर्क भाषा वह भाषा है जिसमें देश के अधिकांश नागरिक आपस में वार्तालाप करते हैं। यह आवश्यक नहीं कि बोलने वाला इसका सही उच्चारण करे, वस्तुतः वह अपनी बात को समझा सके, यही संपर्क भाषा है। भारत में हिंदी संपर्क भाषा है, जबकि संपूर्ण विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है।